गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास फोर्थ। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का 16th चैप्टर करेंगे, दैट इज टेंसेस। बहुत इजी वे में, बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे व्हाट आर टेंसेस। थर्ड क्लास में हमने करा हुआ है टेंसेस, एक बार वापस रिपीट करेंगे। तीन टाइप के टेंसेस हैं और सबसे पहले टेंसेस का मतलब, टेंसेस मीन्स टाइम, टाइम समय। जिन वर्ड्स से हमको टाइम का पता चले, हमें समय का पता चले, दोज वर्ड्स आर नोन एज टेंसेस। क्लियर? कैसे? मैं अगर एक लाइन बोल रही हूं तो उन वर्ड्स से आपको पता चल रहा है कि मैं क्या बात कह रही हूं, दैट कम्स अंडर द टर्म टेंसेस। अगर मैं आपको कहती हूँ कि यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट, मैं कल मार्केट गई थी, कल की बात हो रही है, दैट वॉज पास्ट टेंस। क्लियर? एक टेंस का टाइप, हमें टाइम पता चल रहा है। अभी की बात अगर हम करें, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी की बात हो रही है, तो टाइम पता चल रहा है नाउ, जस्ट नाउ। और आई विल टेक योर टेस्ट टुमारो, कल का हम टेस्ट का डिसीजन ले रहे हैं कि मैम ने कहा है कि मैं कल आपका टेस्ट लेंगी। तीनों वर्ड्स में आपको क्या पता चल गया कि कौन सी बात किस टाइम के लिए कही जा रही है? कल मार्केट गई थी, अभी पढ़ा रही हूँ और कल मैं आपका टेस्ट लूंगी। तीनों टाइम आपको क्लियर हो गए वर्ड्स से। यही वर्ड्स का मतलब होता है टेंसेस, और यही आगे टेंसेस का, टाइम का आपको डिनोट करते हैं, आपको बताते हैं। अब आप देखेंगे टाइप्स, पास्ट टेंस, कल मैं मार्केट गई थी, प्रेजेंट टेंस, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, एंड टुमारो आई विल टेक योर टेस्ट। तीनों टेंसेस इसी लाइन में क्लियर हो गए, हमको टाइम का आइडिया लग गया कब की बात करी जा रही है। द वर्ड टेंसेस टाइम। क्लियर? बहुत इजी तरीके में हम इस चीज को समझें। अब तीन टेंसेस के बाद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंसेस में भी आगे तीन टेंसेस होते हैं। बहुत सिंपल से तरीके में हम उसको समझेंगे। एक वर्ड लेते हैं प्ले, पास्ट टेंस में वर्ड हो जाएगा प्लेड, प्ले एंड विल प्ले। वॉज प्लेइंग एंड विल प्ले। पास्ट टेंस जब हम बीते हुए टाइम की बात कर रहे हैं तब हम सिंपल पास्ट टेंस में वर्ड यूज करेंगे प्लेड, वी प्लेड इन द गार्डन। जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, सिर्फ एक पास्ट टेंस की बात हो रही है, जब सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी आएगा ही आएगा। आप इस चीज को रूल मान के फॉलो कर लीजिए कि जहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा वहां पर आईएनजी आएगा। अगर सिंगल है तो आई वॉज प्लेइंग, अगर दो या तीन या चार बच्चे खेल रहे हैं वी वर प्लेइंग। क्लियर? अब देखिए जब फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, वी विल प्ले, हम खेलेंगे। अगर एक जना है आई विल, हम विल भी यूज कर सकते हैं और हम शैल भी यूज कर सकते हैं। ये एक सिंपल चीज हुई है पास्ट टेंस के लिए, सिर्फ दो या तीन वर्ड्स चेंज होंगे और वही चीज आएगी प्रेजेंट टेंस में और
फ्यूचर टेंस में। अब कैसे? प्रेजेंट टेंस में आई प्ले, अभी खेल रही हूं। आई एम प्लेइंग, आई के साथ हमेशा एम लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आई एम प्लेइंग, अगेन आई एन जी, क्लियर। एंड इन फ्यूचर टेंस आई विल और शैल प्ले, सिंपल। आप उसको प्रेजेंट टेंस से सेम तरीके से चलते जाइए, टेंस का एक वर्ड चेंज करिए और वो ही आगे कैरी होगा और वो वर्ड चेंज हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मींस जो आगे होगा, अभी हुआ नहीं है, अभी हो भी नहीं रहा है, आगे होगा। आई विल प्ले, आई विल बी प्लेइंग, वर्ड कहां चेंज हो रहा है? बी। आई विल प्ले, क्लियर। बहुत इजी है, हम एक टेंस क्लियर कर ले, एक टेंस को हम टेबल वाइज क्लियर कर रहे हैं तो उसी का वर्किंग पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में चेंज हो रही है, बस और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। चलिए अब देखिए पेज नंबर 84 पे आपको तीन लाइंस में ही वही चीज बताई गई है। वी प्ले फुटबॉल डेली, प्रेजेंट टेंस, और यही हम पास्ट टेंस भी कैसे लिख रहे हैं? वी प्लेड फुटबॉल डेली, हम रोज खेलते थे। वी शैल प्ले, फ्यूचर टेंस, क्लियर। अब पेज नंबर 85 पे देखिए, कंपेयर द फॉलोइंग लिखा है ना, आई प्ले, आई एम प्लेइंग। आई प्ले हो गया प्रेजेंट, आई एम प्लेइंग हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो काम, जो वर्क कंटिन्यूअसली हो रहा है। और उसके बाद आई शैल और आई विल बी प्लेइंग, बी मैंने आपको बताया, बी वर्ड एड हो जाएगा, राइट। आई एम प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग। नाउ ऑन परफेक्ट टेंस ऑन पेज नंबर 86, आई हैव प्लेड, खेल चुके हैं हम। आई हैव प्लेड द गेम जस्ट नाउ, अभी हम खेल के फ्री होके कंप्लीट होके हम आए हैं। आई हैव प्लेड द गेम बिफोर ही केम, उसके आने से पहले हम गेम खेल चुके हैं। आई शैल हैव प्लेड, मैं पहले खेल चुका था बिफोर 7 o'clock, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखेंगे, दो बार तीन बार, इट्स इन योर फोन्स, प्रॉपरली समझेंगे, बुक में एक्सरसाइजेस करेंगे, पहले आप खुद करेंगे, फिर आप सेकंड में जो मैम ने पीडीएफ सेंड करी है उससे आप चेक करिए कहाँ दिक्कत है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत ही होगा ना, हमने पेंसिल से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आई एम सेंडिंग यू द पीडीएफ, आप इस वर्क को बुक में कंप्लीट करेंगे एंड सेंड इट बैक टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। गुड डे, टेक केयर।